अब बताइए, चीता बुलाया गया विदेश से, जो कमिटमेंट है भैया वो कीजिए। आप चीता बुला के इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ मीडिया को मैनेज करके चेहरा लोग चमका रहे। बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। कुछ लोग वादा करते थे कि भाई हर साल 2 करोड़ देशवासियों को रोजगार देंगे, आज उन लोगों का सही मायने में मुंह काला हो गया होगा। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है कि भाई जो संकल्प, और ये हम लोगों ने वादा नहीं किया था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रोजगार नौकरी हम देंगे और वो करके दिखा रहे हैं, ये हम लोगों का कोई वादा नहीं, प्रण था। इस प्रण को हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो लोगों का तो कुछ लोगों का काला हो गया, और लोग नहीं बोलेगा कुछ, उन लोग में तो आपस में ही कॉम्पिटिशन है, करते रहे भाई कॉम्पिटिशन। और कुछ लोग इसीलिए ना इवेंट बना लेते हैं। अब बताइए, चीता बुलाया गया विदेश से, मतलब जो कमिटमेंट है भैया वो कीजिए। आप चीता बुला के इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ मीडिया को मैनेज करके चेहरा लोग चमका रहे, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है ये चीता जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बुलाया गया था। वो चीता जो है वो गुजरात में भी बुलाया गया था, और सारे चीते जो है मर गए। क्या हुआ उन चीतों का? अब कहा जा रहा कि कोई चीता नहीं था, तो फिर चीता बुलाया गया। ठीक है, ये सब काम जो है चलता रहता, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश में गरीबी है, बेबसी है, गुर्बत है, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। अब बताइए, इतना कम संसाधन होने के नाते और इतनी बड़ी समस्या है हम लोगों की स्टेट में, बाढ़ है, सुखाड़ है, तरह तरह की चीजें हैं, फिर भी देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है क्या काम कर रहा है, एक्सेप्शनल। लेकिन कोई सहयोग नहीं मिलता हम लोगों को केंद्र से, बोझ जो है और पिछड़ा राज होने के नाते और डाल दिया जाता है। भाई हम लोगों को तो मांग था, सोचिए अगर हम लोगों को जो मुख्यमंत्री जी का मांग है कि भाई बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या विशेष पैकेज मिल जाए, तो सोचिए कितना लोगों के लिए काम होगा, कितना आगे हमारा बिहार बढ़ेगा। लेकिन किन लोगों को कोई मतलब नहीं है, केवल है अपना चेहरा चमकाने का। तो हम लोग तो सोचिए दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं इनके नेतृत्व में, और हम लोग इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग भी, अभी अमित सुभानी साहब जी ने कितना अच्छा सलाह दिया, भाई काठमांडू मत घूमिए, नहीं तो कहीं और घुमाने ले जाएगा लोग। अगर घूमिएगा काठमांडू तो कहीं भी जा सकते हैं, निगरानी से लेकर हर तरह तरह का जो है नजर लोग का रखा हुआ है। ऐसा तो नीतीश जी का है कि भाई भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सब लोग, ये नई सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा, ये जो नई सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है ये जनता की सरकार है, और जनता के लिए हम लोगों को काम करना है, और हम लोग इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब ये सिलसिला जो है चल पड़ा है, अब देखिएगा आने वाले समय में धीरे 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 लाखों नौकरियां, रोजगार जो है माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार बिहार के नौजवानों को देने का काम करेगी, उसमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं। तो हम इतना ही कहेंगे, और जो हमारे बिहार के नौजवान हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, सब काम हो रहा है, हर विभागों को निर्देशित जो है कर दिया गया है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा काम जो है होने जा रहा है। जो हमारा कमिटमेंट, जो प्रण है, उसको हम लोग बखूबी ईमानदारी से इस चीज को पूरा करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार के लोगों के दुख दर्द को तकलीफ करेंगे। यही चंद शब्द कहते हुए एक बार पुनः हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बड़ी खुशी हुई
कि आज उन्होंने अपने हाथों से आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, तो इसीलिए सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।